अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज थाली। हाफ कप तेल गरम हो रहा है। ये ली है मैंने दो मीडियम साइज कटी हुई प्याज। तेल गरम हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज। नमक ऐड कर देंगे इसमें। प्याज को फ्राई कर लेंगे पिंक होने तक। प्याज हमारी पिंक हो गई है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे तीन छोटे छोटे कटे हुए टमाटर। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम स्लो कर दिया है, मसाला डालते टाइम फ्लेम स्लो ही रखना है। आधा टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। एक टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। एक टीस्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1/3 कप हरा धनिया ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। 2 टीस्पून राजमा मसाला है मेरे पास, 2 टीस्पून इसमें राजमा मसाला ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो। 1 टीस्पून और राजमा मसाला ऐड करेंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर भून लेंगे मसाले को, जब तक कि टमाटर न गल जाता। देखिए मसाला भून चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं, अच्छी स्मेल भी मसाले की जा चुकी है। ये मैंने राजमा रात को भिगो के रखा था, ये 1/4 किलो राजमा है भिगोया हुआ। ये पानी के साथ इसमें ऐड कर देंगे। पानी भी इसमें हिसाब से डालना है, कुकर में बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। एक अच्छा 1/4 घंटा इसको प्रेशर कुक कर दिया स्लो फ्लेम पे, सीटी बजने के बाद से अब ये रेडी है, राजमा बनकर तैयार है। 1/2 कप तेल मैंने गरम कर दिया है। 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे इसमें। फ्लेम स्लो रखेंगे। हाफ टी स्पून मेथी दाना ऐड कर देंगे। तीन मीडियम साइज प्याज मैंने काट दी है, स्लाइस कर दी है पतली पतली। थोड़े कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। अब प्याज ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे प्याज को सॉफ्ट होने तक। नमक ऐड कर देंगे। देखिए प्याज जो है सॉफ्ट हो गई है। इसमें मैं
मैं ऐड कर दूंगी 3 मीडियम साइज कटे हुए टमाटर। मिक्स कर लेंगे। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। एक टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। एक टी स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। एक टी स्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। सब कुछ मिक्स कर लेंगे। 4 हरी मिर्चियाँ चॉप की हुई ऐड कर देंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे। 1/3 कप हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। भून लेंगे मसाले को जब तक कि टमाटर नहीं गल जाते। सब पानी ऐड कर देंगे टमाटर गलने के लिए। अब मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेंगे। नमक कम लग रहा है, नमक ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। टमाटर गल चुके हैं, मसाला भी भून चुका है, कच्ची स्मेल जा चुकी है इसकी। ये मैंने लिए हैं 1/4 किलो बैंगन और 3 छोटे छोटे आलू मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिए हैं। ये इसमें ऐड कर देंगे। भिगो कर रखा था मैंने इसको ताकि बैंगन काले ना पड़े। मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे इसमें। अब थाली ढक देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे, रख देंगे इसको पकने के लिए। आलू बैगन को ढककर रख दिया था 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। अब ये बिल्कुल तैयार है, गैस ऑफ कर देंगे। ये पानी बॉईल हो रहा है, गैस ऑफ कर देंगे। ये बॉइल्ड पानी में बूंदी ऐड कर रही हूँ। पूरी ही बूंदी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 पैकेट बूंदी ली थी मैंने। इसको डुबो देंगे और अभी मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। आधा किलो दही मैंने फेंट दी है। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। नमक ऐड करेंगे, नमक थोड़ा कम ही ऐड करेंगे अभी। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें। कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें। 1/4 टीस्पून लेग पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची और प्याज बारीक बारीक काट के डाल सकते हो। ऑमलेट स्टाइल में प्याज भी डाल सकते हो। अब इसमें बूंदी जो है ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे सब कुछ।
नमक टेस्ट करके नमक भी ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। ये तीन मुट्ठी भरकर मैंने चने की दाल भिगो के रखी है, नमक ऐड कर देंगे इसमें। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे और रख देंगे इसको प्रेशर कुक करने के लिए सीटी बजने के बाद से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। 5 मिनट में चने की दाल गल चुकी है। हाफ कप तेल मैंने गरम कर दिया है, 1 टीस्पून इसमें जीरा डाल देंगे। ये 2 मीडियम साइज कटी हुई प्याज है, ये भी इसमें अभी ऐड कर देंगे। इसमें नमक ऐड कर देंगे, प्याज को फ्राई कर लेंगे सॉफ्ट होने तक। फास्ट फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे प्याज को सॉफ्ट होने तक। देखिए प्याज पिंक हो गई है। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, सब कुछ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। आधा कप हरा धनिया ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। टमाटर की कच्ची स्मेल जा चुकी है, मसाले की कच्ची स्मेल जा चुकी है। इसमें बॉइल्ड चने ऐड कर देंगे। पानी ऐड कर देंगे, फास्ट फ्लेम कर लेंगे। अच्छा बॉईल आने देंगे। नमक कम है, नमक ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छा बॉईल आ गया है, ढक देंगे इसको। 5 मिनट तक सिम पे रख देंगे। 5 मिनट तक इसको सिम पे रख दिया था, अभी बिल्कुल रेडी है। गैस ऑफ कर दिया है। गेहूं का आटा मैंने गूंद लिया है। पतली पतली रोटियां सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पे गैस है, अभी घी ऐड कर रही हूँ। आप तेल भी यूज कर सकते हो। टर्न कर देंगे। चारों तरफ से पहले सेकेंगे। कपड़े से भी सेक सकते हो आप। एक टीस्पून और घी।
निकालने में। तेल गरम कर दिया है, पापड़ फ्राई कर लेंगे। इस तरह से तेल निकालना है इसका। 5 टीस्पून मैंने घी गरम कर दिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड आलमंड्स 2 टेबलस्पून, चॉप्ड पिस्ताशियोस 2 टेबलस्पून, फ्लेम हाई कर दिया अभी मैंने। स्लाइट क्रिस्पी होने तक भूनेंगे इसको। फ्लेम स्लो कर देंगे। ये सेवैया है, एक मुट्ठी सेवैया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये दूसरी मुट्ठी भी इसमें सेवैया ऐड कर रही हूँ, तोड़ तोड़ कर इस तरह से। लेंगे उसको, ये रोस्टेड सेवैया है। दो मिनट तक सेवैया को भून दिया, अब इसमें आधा लीटर दूध ऐड कर देंगे। दस टीस्पून शक्कर ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छा बॉईल ले लेंगे इसको। इलायची फोड़ कर ऐड कर देंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे। पांच मिनट तक इसको इसी तरह उबालेंगे स्लो फ्लेम पे। और फिर गैस 1 टेबलस्पून बादाम चॉप्ड ऐड कर देंगे। एक टेबल स्पून चॉप्ड पिस्ताशियो ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे इसको रख दिया, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अभी गैस ऑफ कर देंगे। इसके ऊपर आप खोया भी डाल सकते हो, मावा। 1.5 किलो बासमती चावल भिगो के रखे थे, इसको नमक डालकर उबाल लिया, निथार दिया, दम पर रख दिया। अब ये बिल्कुल रेडी है, वेज थाली तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो फिर से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।